हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी का लेसन नंबर 14 खेड़ातील स्वयंपाक इसको स्टडी करेंगे। स्वयंपाक कहते हैं खाना बनाने को, और खेड़ातील यानि खेल में, यानि खाना बनाने का खेल जो बच्चे लोग खेलते हैं। आपने देखा होगा खाना बनाने के सब चीज़ें छोटे छोटे उनके पास होती है, गैस और बर्तन और फ्रूट्स, और उससे वो लोग ऐसा नकली का खाना बना के सब खाते हैं। तो ये वही खेल बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो उसी के बारे में एक बहुत ही अच्छी पोएट्री पोएट ने लिखी है, तो चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग। ऐका व म्हणा, सुनो और कहो। तो पहला पैराग्राफ क्या है, पिठा मध्ये पानी घालतो, तिंबून तिंबून कणिक मरतो, भरभर भरभर पोळी लाटतो, पोळीचा फुगा तव्यावरती फुकतो, गरम गरम पोळी वाढतो। तो पहले पैराग्राफ में वो रोटी बना रहा है, चपाती बना रहा है। तो चपाती बनाने के लिए वो क्या क्या प्रोसेस कर रहा है, पीठा मध्य पानी घाल तो, पीठ यानी आटा, तो आटे में सबसे पहले पानी डालता है, उसके बाद तिंबून तिंबून कणिक मर तो, फिर उसको आटे को गूंद रहा है, तिंबून तिंबून हाथ से उसको अच्छे से मलता है, गूंदता है, भर 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 पोड़ी लाट तो, अब गूंदने के बाद उसको रोटी बनाता है, बेलता है उसको, भर 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 जल्दी जल्दी उसकी पोड़ी यानी चपाती रोटी गोल गोल शेप की बनाता है। उसके बाद पोड़ी चा फुगा तव्या वर्ती फुक तो, अब वो रोटी को पोड़ी को तवे पे गरम गरम उसने डाला, तो क्या हो गया, तवे पे उसका फुगा यानी वो रोटी फूल गई है, फिर गर्मा गर्म गरम गरम पोड़ी वाड़ तो, फिर गरम गरम पोड़ी रोटी वो देता है खाने के लिए, वाड़ तो यानी खाने के लिए देना। तो फर्स्ट पैराग्राफ में रोटी बनाया उसने। सेकंड पैराग्राफ क्या है, विड़ी वर्ती वांगी चीरतो, गरम मसाला त्यात भरतो, कढ़ाई तेल मोहरी फुटता, तिखट गालून रस्सा करतो। अभी वो वांगी यानी ब्रिंजल उसकी भाजी बना रहा है, उसका रस्सा बना रहा है, तो वो क्या क्या कर रहा है रस्सा बनाने के लिए, विड़ी वर्ती वांगी चीरतो, विड़ी यानी ये जो घर में दराती होती है जिससे सब कोई चीज़ को काटते हैं, देखो ये इसका पिक्चर है, तो इसके ऊपर वो वांगी को ब्रिंजल को बैंगन को पहले चीर रहा है। चीरने के बाद क्या किया, गरम मसाला त्याग भर तो, उसके अंदर गरम मसाला पूरा भर दिया, कढ़ाई तेल मोहरी फुटता, अब कढ़ाई में तेल गरम किया, जब तेल गरम होता है तो उसमें जो उबाल आता है आवाज़ आती है उसको कहते हैं मोहरी फुटता, तो मोहरी जब फूट जाता है तो तेल गरम हो गया, उसके बाद उसमें कोई चीज़ डालते हैं, तो तिखट घालून रस्सा कर तो, तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, तिखट यानी स्पाइसेस डाल के उसको तेज़ बना के उसका अच्छा रस्सा बनाता है। तो सेकेंड स्टेप में उसने वांगी का यानी बैंगन का रस्सा बनाया। अभी तीसरा पैराग्राफ क्या है, डाल तांदूड़ भांड्यात भरतो, पाण्याची वर धार धरतो, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, स्वयंपाक झाला जाहीर करतो। अब तीसरे स्टेप में वो डाल और तांदूड़ यानी दाल और चावल मिला के खिचड़ी बना रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, वो डाल तांदूड़ भांड्यात भरतो, भांडी यानी बर्तन में डाल और तांदूड़ यानी चावल उसने एक बर्तन में लिया, पानियाची वर धार धरतो, अब उसको धोने के लिए ऊपर पानी की धार लगाया, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, अब उसको कुकर में बनाने वाला है तो कुकर के तोंडात यानी कुकर के मुँह में यानी उसके ऊपर जो नोज़ल बना हुआ था है उसमें शिट्टी कोंबतो यानी उसमें वो जो विसल होती है सीटी होती है उसको उसने लगाया, स्वयंपाक झाला जाहिर कर तो, और जब सीटी हो के बन गया उसका चावल तो फिर स्वयंपाक झाला यानि खाना बन गया है ऐसा जाहिर कर तो यानी अनाउंस करता है ऐसा सबको बताता है। तो थर्ड स्टेप में उसने क्या बनाया, चावल और दाल की खिचड़ी बनाया। अभी चौथा पैराग्राफ क्या है, स्वयंपाक माझा डबीत मावतो, तरीही आम्ही पोटभर जेवतो, पचनासाठी दोन फळे प्रत्येकाला देऊन ठेवतो। अब क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही खेल में स्वयंपाक बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो इसके लिए स्वयंपाक माझा डबीत मावतो, पूरा खाना उसने किस में भर दिया, एक छोटे से डब्बे में भर दिया, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे हैं सिर्फ, तो छोटे से डब्बे में सारा खाना उसने भर दिया। तरी ही आम ही पोट भर ज्योतो, तरी ही फिर भी हम सब ने पेट भर के खा लिया। बच्चों को आपने देखा होगा ऐसा खेल में खाना बनाते हैं तो फिर वो कितना एक्टिंग करके खाते और कहते हैं हाँ पेट भर गया एकदम, तो ऐसा ही है बच्चे लोग खा रहे हैं, तो छोटा सा खाना डब्बे में भर के उन सबको पुर गया। पचना साठी दोन फड़े, अब उसको पचाने के लिए खाने को क्या करता है वो, दो दो फल
प्रत्येकाला देऊन ठेवतो, हर एक जन को दो दो फल उसने दे दिया है खाना पचाने के लिए, वो भी खिलौने के सब फल है। तो ये किसकी कविता है? किशोर पाठक इसके कवि है। तो किशोर पाठक ने बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे बच्चों का जो खेल है उसमें क्या क्या प्रोसेस से खाना बनता है उसको बच्चों को अच्छे से समझाया है। अभी इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। तो पहला क्या है? खालील कामांसाठी कवितेत आलेल्या कृती क्रमाने सांगा। नीचे काम के लिए कविते में जो कैसे क्रम से आया है, ऑर्डर में आया है, क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर है वो हमको लिखना है। तो अ है पोड़ी करने, यानी चपाती बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स किया था बच्चे ने, तो उसको हमको क्रम वाइज ऑर्डर में लिखना है। तो इसका आंसर क्या है? पहला पिठा मध्ये पानी टाकने, दूसरा कणिक मळणे, तीसरा पोड़ीला लाटने, चौथा तव्यावर टाकने और पांचवा गरम गरम वाढ़ने। ये क्रम में ये पोड़ी बनती है। आ भाजी करने, तो भाजी करने के लिए क्या स्टेप्स आए हैं कविता में? पहला वांगी चीरने, दूसरा वांगीत गरम मसाला भरने, तीसरा कढ़ाई तेल टाकने, चौथा वांगी तेल मध्ये टाकने और पांचवा तिखट घालून रस्सा करने। तो ये स्टेप में वो बनती है। अभी ई है भात करने, चावल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स बच्चे ने किए थे? तो पहला है डाळ तांदूळ भांड्यात टाकने, दूसरा त्याच्यावर पाणी टाकने, तीसरा कुकरच्या तोंडाला सिटी लावणे और चौथा स्वयंपाकासाठी गॅसवर ठेवणे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालील कृतींसाठी कोणती साधने लागतात ते सांगा। यानी जो नीचे दिया हुआ है ये चीज़ करने के लिए साधन इक्विपमेंट क्या लगता है वो लिखना है। तो अ पोड़ी भाजने, यानी रोटी को सेकने के लिए क्या चीज़ लगती है, तो आंसर क्या है? तवा। आ भाजी चीरने, भाजी को चीरने के लिए क्या चीज़ लगती है, तो दराती या छुरी। और ई भात करने, भात करने के लिए चावल बनाने के लिए क्या लगता है? प्रेशर कुकर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खालील अक्षरांपासून नवीन शब्द बनवा। कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं, उसको जोड़कर हमको नए नए वर्ड्स बनाना है। उदाहरण इन्होंने क्या दिया है? चा रा स द र घ, ये अल्फाबेट्स दिए हैं और इनको जोड़कर इन्होंने देखो कितने सारे शब्द बनाए हैं। चारा, चार, रस, रास, दसरा, घर, दर, चादर, सरसर, सदरा, बहुत सारे वर्ड्स बना दिए हैं। तो इसी तरीके से चार क्वेश्चंस है, उसमें अलग अलग अल्फाबेट्स दिए हैं, उसको जोड़ के हमको वर्ड्स बनाने हैं। तो अ है का पा य ल, ये चार अल्फाबेट्स है, इसको जोड़ के वर्ड्स बनाना है। तो क्या क्या बन सकता है इसमें? पा य मिला के पाए, का ल मिला के काल, पा ल मिला के पाल, पा य ल मिला के पायल, का पा मिला के कापा, ये वर्ड्स इसमें बन सकते हैं। आ है प ना सा ट क, तो इसको मिला के क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं? ना प मिला के नाप, सा प मिला के साप, ट प मिला के टप, क प मिला के कप, ट क मिला के टक, ना ट क मिला के नाटक, ये वर्ड्स इसमें बन सकते हैं। तीसरा है क मा स वी र, तो इसमें से क्या क्या बन सकता है? स र मिला के सर, क र मिला के कर, र स मिला के रस, वी र मिला के वीर, क और वी मिला के कवि, र और वी मिला के रवि, मा और स मिला के मास, मा और र मिला के मार, ये सारे वर्ड्स इसमें बन सकते हैं। अब ये लास्ट में क्या है? मो री ह र नी पा, तो ये सब मिला के क्या बन सकता है? पा और नी मिला के पानी, मो और र मिला के मोर,
पा और र मिला के पार, ह और री मिला के हरी, मो ह और री मिला के मोहरी, पा ह और नी मिला के पाहनी, ये सारे वर्ड्स इसमें बन सकते हैं। तो आप अच्छे से देखेंगे तो और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।